साहब जी अंदर पसंद नहीं आया क्या कोई चीज? नहीं नहीं, मुझे दरअसल कुछ ऑथेंटिक राजस्थानी चीजें दिखाई है। अच्छा अच्छा, तो साहब जी चलिए अंदर, आपको मैं ऑथेंटिक राजस्थानी दिखाता हूँ। आइए। वेरी गुड। हाँ ये आइए। एक मिनट, ये बक्सा जरा खोलिएगा। ये जी। अरे साहब जी इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ऐसे ही चीजें भरी पड़ी हुई हैं, और मैं आपको इससे अच्छा बक्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप जरा इसे खोलिए ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे लगता है। ये नहीं चाहिए आप? नहीं ये नहीं चाहिए, आप इसे खोल लीजिए। अच्छा, मैं निकाल। आप इन चीजों को बेकार कह रहे थे? ये तो खजाना है, असली रियासती खजाना। ये तो किसी पुराने प्ले के खास कैरेक्टर का लगता है। जी, आप जानते हैं कौन से प्ले का है? जी नहीं। आपको पता है पुराने जमाने में राजस्थान की विधवाएं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। तो जैसल सिंह के हर प्ले पढ़े हैं, लेकिन लच्छू, कहीं लच्छू वो प्ले तो नहीं जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूं? यस, आई फाउंड इट। हालिम भाई, यही वो प्ले है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। हाँ, और ये बिल्कुल वही सामान है, वही कंगन, वही घाघरा, पर मंगलसूत्र कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपने मंगलसूत्र देखा है? हमको नहीं मालूम, हमें चलिए जो भी है। मैं ये बक्सा लेकर जाता हूं, आप इसका बिल ऑफिस में भिजवा दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू हालिम भाई, आज आपके यहां से जो लेकर जा रहा हूं ना, तहलका मचा देगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ माल आ जाएगा। थैंक यू आलिम भाई। अच्छा है राज, लेकिन डू यू हैव टू चेंज द प्ले एट द लास्ट मोमेंट? अब शो के डेट्स भी सर पर हैं। देखो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड इवन वन मोर पेनी फॉर दिस प्रोडक्शन। और फिर इतनी मुश्किल से लाइनें भी तो याद की थी। देखिए मॉम, आपको इस प्रोडक्शन पे और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आई प्रॉमिस यू। जहां तक प्ले का सवाल है, हाँ एक बात है, हमें बहुत ही कम समय में एक नया प्ले तैयार करना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? दिलो जान से सर। वैसे ही नया प्ले है कौन सा? जैसल सिंह की लच्छू। कभी नाम सुना है क्या? दिल्ली में हमने कई प्ले किए हैं इनके, लेकिन ये लच्छू कौन सा नाटक है याद नहीं आ रहा। याद कैसे आएगा सर, ये प्ले तो आज तक स्टेज ही नहीं हुआ है। Really, राज? Yes, मॉम, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यूं समझिए कि आपके हाथों एक खोया हुआ खजाना लग गया है। And I assure you, mom, this play will do amazing business. कहानी क्या लच्छू की? बहुत sad कहानी है लच्छू की। वो एक 20 साल की विधवा थी, एक बंजारन। उसे मुखिया के बेटे प्रताप से प्यार था,
लेकिन प्रताप के मन में खोट थी और ये बात लाचो को तब पता चली जब जब उसके पेट में प्रताप का प्यार पल रहा था और प्रताप ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, भरी पंचायत के सामने उसने सबसे यही कहा कि वो पाप उसका नहीं था। लच्छो गुस्से के मारे पागल हो गई और कतार लेकर उसकी तरफ बढ़ी उसे मारने के लिए, लेकिन लोगों ने प्रताप को बचा लिया। मुखिया के दबाव में आकर पंचायत ने एक सांस में कह दिया, लच्छो डायन है और गांव के लड़कों को खा जाएगी। बस उसके बाद और क्या होता, लच्छो का गला काटने का काम प्रताप ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इसी तलवार से काट डाला। किसी को मारने के लिए तलवार के अलावा और भी तरीके होते हैं। राज, इफ यू थिंक दैट दिस प्ले इज गोइंग टू वर्क बेटर, आई रियली हैव नो ऑब्जेक्शन। और फिर कास्टिंग, तो मॉम कास्टिंग वास्टिंग की क्या सोचने की जरूरत है, जो पहले मेन रोल कर रहे थे वो इस प्ले में भी मेन रोल ही करेंगे। हाँ वही तो। नहीं नया, लच्छो का रोल मैं प्रिया को देता हूँ। क्या है ना नेहा, यू लुक सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, यू डोंट सूट द कैरेक्टर। कांग्रेचुलेशंस प्रिया, आज से तुम हमारी लच्छो हो। ध्यान से लाइनें याद कर देना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल। देखो, एज अ डायरेक्टर आई फील कि आई नो बेटर कि कौन सा रोल किसे सूट करता है। प्रिया, ये प्ले की ओरिजिनल कॉपी है, पढ़ लेना। और हाँ, उस पर वो लच्छो का पिक्चर है, लच्छो के लुक और एक्सप्रेशंस के बारे में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। ओके, आई विल सी यू। नेहा, नाउ स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स। मॉम, आपने देखा राज ने क्या किया, उस हस्बैंड स्नैचर को मेन रोल दे दिया। मॉम, आपने उससे कुछ भी नहीं कहा। व्हाई मॉम? जस्ट टेल मी वन थिंग मॉम, आपने ये ड्रामा ट्रूप किसके लिए शुरू किया है, अपनी बेटी के लिए या अपने दामाद के सहेलियों को प्रमोट करने के लिए? टेल मी मॉम, व्हाई? क्यों आपने उसको कुछ भी नहीं बोला? वहां मैं तुम्हारी मॉम नहीं, इस ड्रामा कंपनी की प्रोड्यूसर थी। And as a producer, मेरा काम है इस कंपनी का फायदा देखना, ना कि अपनी बेटी के टेंपर टेंट्रम्स उठाना। And as an actress, तुम्हें अपने डायरेक्टर के डिसीजन की कदर होनी चाहिए। कदर माय फुट मॉम, राज पहले मेरे हस्बैंड है, बाद में और कुछ। मॉम, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए, ये बार बार मेरे काम के बीच में हमारी पर्सनल बातें लेकर आती। And it becomes very difficult for me to work. It becomes very awkward for me to work. बिना किसी बात के हमेशा शक करती रहती मुझ पर। लाइंस कर लेती हूँ। एक बात कहूं प्रताप, बुरा मत मानना, और बुरा लग जाए ना तो तुमने घड़ी घड़ी खम्मा दे देना जी, मारा मन तो जाने कब का थारा हो गया मारा डोला जी। ये माटी का तुम क्या चीज है, मारा तो तन मन धन सब थारा है प्रताप साहब।
तूने मुझे स्वीकार कर लिया तो मेरा जीवन सफल होगा। बस ये मंगलसूत्र अपने हाथों से पूरे समाज के सामने मेरे गले में डाल दो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं है, फिर भी ये मंगलसूत्र हमारे बच्चे की खातिर, हाउ रोमांटिक बट सो सैड। नेहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। देखो बहुत काम पड़ा है, लाइटिंग वालों से मिलना है, सेटिंग वालों से मिलना है। आई ट्राई माई बेस्ट, आई प्रॉमिस। या बाय। अब 2.5-3 घंटे सिर्फ हमारे हैं। चलो लाइंस करते हैं। मुझे मेरी लाइंस याद है, कुछ और करते हैं। राज प्लीज, रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। एज यू से मैम। मरने तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू साची मारी हो गई है लच्छो। अपना कलेजा चीर के दिखा दूं, थारे को मारे पर विश्वास नहीं है? मारे पर? राज, तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं है वहां पर। प्रिया, तुम आजकल इतनी डर क्यों जाती हो? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम वो एंटी डिप्रेसेंट्स मत लिया करो, उनसे कुछ नहीं होगा। तो क्या करने से कुछ होगा राज? आई नो यू आर हेल्पलेस, पर मुझे आजकल बहुत घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। नेवर। फिर वही बात, किसने कहा तुमसे हम कभी एक नहीं हो पाएंगे? देखो, जहां हम दोनों ने इतना वेट किया है वहां थोड़ा और सही। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं कल ही जाकर नेहा को अपने डिवोर्स पेपर्स दे दूंगा। नहीं, अभी नहीं, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। मुझे पता है तुम्हें उन लोगों की जरूरत है। तो फिर तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? पता नहीं क्यों राज, जब से तुमने मुझे ये लच्छो वाला रोल दिया है ना, मुझे बात बात पे रोना आ जाता है। आई थिंक मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लच्छो की कहानी में हमारी कहानी नजर आती है। हाँ, शायद। राज, वो लच्छो की तस्वीर। क्या हुआ? क्या हुआ तस्वीर को? ठीक ठाक तो है प्रिया, ये क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी प्रिया दिखाई दे रही है। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर लच्छो, ये गांव ये समाज अगर हमें नहीं मिलने देता तो ना सही। अगली अमावस हम तुम यहां से चले जाएंगे। सच प्रताप, कहां? गुलाबी शहर, जयपुर। अब तो खुश हो? हाँ, बहुत खुश। ये एसी बंद कर यार, अप्रैल के महीने में इतनी ठंड। अबे एसी तो कल से खराब है, अच्छा है ठंड पड़ रही है। अच्छा, मैं फैन बंद कर देता हूँ। ये ठंड नहीं, कुछ अजीब ठंड है ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक्सक्यूज मी।
की लाइंस पढ़ लेती हूँ। ये सुनकर प्रताप की पत्नी पंचों के सामने रो रो कर बोली कि हमारे खानदान में तो आज तक कोई करम जली सौत बनकर आई नहीं, तो फिर मैं इससे कैसे आन दूं? ये तो पहले ही एक पति को खा चुकी है, अब मेरे पति को खाएगी क्या? ये सुनकर लच्छो ने जले कटे स्वर में ही सही, लेकिन उसको समझाने की कोशिश की। अरे बहना, मारा पहला मर्द तो बुड्ढा था, बुड्ढे की जोरो बनकर रहने का तो तू क्या जाने, उसे तो मरना ही था। थारे मर्द को गोली मारी, उसे तो मैं अपने माथे का बोरला बना के रख सू और तेरी दासी बन के रह सू, समझे? अरे मारे कोख में जो पल रहा है वो तेरा भी तो कुछ लगता है ना। मगर लच्छो का वो कायर प्रेमी भरी पंचायत में मुकर गया, बोला, चुप कर चुट्टी, तू अपना पाप मेरे मत्थे क्यों मांद रही है, मैं नहीं अपनाने का तेरे को। ये सुनकर लच्छो को तो काटो तो खून नहीं, इसी आदमी से प्रेम किया था मैंने, शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का यही नतीजा होता है। मशहूर नाटककार जैसल सिंह के 18वें नाटक लच्छो का मंचन शीघ्र ही, मेरे नाटक का मंचन, किसकी शक्मत आई है जो इस नाटक को स्टेज करेगा? साइलेंस, साइलेंस। अरे फैन दादा, फैन बंद कीजिए, और ये इतना स्मोक क्यों दे रहे हैं? स्टेज जाना था। पहले एक लाइट रिहर्सल करते हैं। छोरा जबरदस्त सिगार है, देखना भाई। सेटिंग दादा, अभी बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अभी रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। सरपंच का छोरा, ये लाइट दादा रेडी हो, लाइट। सरपंच का छोरा इधर से गया था, उधर से लाइट। रस्ती बाबड़ी बंद करो, शोर दे इधर, ठीक? एक मिनट तुम। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, काश मुझे ये परछाइयाँ, ये चेहरे दिखना बंद हो जाए। सरपंच ये लज्जो के घर गया तो ये थोड़ा चेक करना है। तुझे लाइन पढ़ने, अरे नहीं आ रहा यार। ओह गॉड, अरे यार ये लाइट भी अभी जानी है। एक मिनट, मैं कैंडल लेकर आता हूँ। नाच तुम जाकर देखो यार जरा। लाइटमैन, अरे देखना यार जनरेटर को जाके। यार ये राज लाइट कर रही है, वाओ, थैंक गॉड, वाओ प्रिया, अरे तुम तो बिल्कुल लज्जो लग रही हो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? चलो सब लोग शुरू करते हैं, एवरीबॉडी रेडी? करेक्टर में है मैडम आज। बिरेंदा म्यूजिक प्लीज, चलिए। अरे
हटो यार। सेटिंग दादा, अभी रिहर्सल कर रहे हैं, प्लीज। घड़ा संकट आ गया है। ये बंजारण घड़ा गंभीर आरोप लगा रही मुखिया के छोरे पे। मारा बेटा बेकसूर है पंचों, मारा छोरा निर्दोष है पंच परमेश्वरों। ए प्रताप, अरे सच सच बोल इस बारे में। हाँ प्रताप साहब, आज सबने सच बोल दी कि तू ही मारा डोला है। हमारे बच्चे के बाप भी हो, थारे मारे नेक की कसम, मारी लाज रख लो, वरना ये गांव वाले मारे को खड़ी करना छोड़े। अरे अरे बावड़ी हुई है क्या तू? तेरे बाप ने मुझे क्यों लपेट रही है छुट्टी? अरे भगवान से डर, तेरा मेरा क्या रिश्ता? मुझे मेरे बापू की सौगंध, मेरा इस कुल्टा के साथ कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। सुन लिया करम जली, आई थी बड़ी मेरे पति को दोष लगाने। पंचो, इस जैन को ऐसी सजा देना कि आज के बाद कोई भी कुलच्छनी गांव के किसी छोरे को खराब करने की हिम्मत ना करे। सुन लिया डायन, मुखिया जी क्या बोलते हो तुम इस बारे में? अजी बोलना क्या है, कड़मुई का मुंह काड़ा करके घुमाओ सारे गांव में। अरे बापू, घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहता हूं ऐसी चोटी को जहाद के दलदल में जाकर फेंक आइए। बल्कि मैं तो कहता हूं गर्दन काट डालिए इसकी। बेशरम, कायर, कमीने, तू मारे को दलदल में बिकवाएगा? मारा गला ले लेगा तू? इससे पहले मैं तने मार नहीं डालूंगी। इतना छोड़ूंगी मैं तने, इतना छोड़ूंगी मैं तने। छोड़ छोड़, नाटक है नाटक, मारा जीवन बर्बाद करते तने नाटक लगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे फुल लाइट्स करो। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए। डोंट वेस्ट टाइम, वरना कुछ भी हो सकता है। देखिए बच्चे को खतरा भी हो सकता है। क्या? बच्चे को? या क्या? You don't mean that, doctor? या she's pregnant. मंगलसूत्र पहनने की महाराज हुक्म मानने में आनाकानी करती है। चलो पन्ने, अब पता चले
कि प्रताप सिंह क्या चीज है। ये तुम क्या कर रही हो? मन्ने मारेगा? मैं तन्ने मार डालती हूँ। कमीने, नहीं छोड़ती मैं तन्ने। क्या चीज हो? छोड़ मन्ने। प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या किया तुम्हें? आंखें खोलो। आप लोगों को यह नाटक स्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी इस नाटक के मंचन की कोशिश की वो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि जो भी एक्ट्रेस लच्छो का किरदार निभाने की कोशिश करती है, लच्छो की आत्मा उसे अंदर से खोखला कर देती है। गला बहुत सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लो। और उससे पहले प्रताप का रोल करने वाले एक्टर की जान ले लेते। इसीलिए आज तक आप इस नाटक के वजूद से मुकरते रहे। पर एक बात बताइए जैसल जी, आप लच्छो के बारे में इतना कैसे जानते हैं? अभिशापित नाटक के राइटर होने के साथ साथ मैं दरअसल लच्छो मेरी मां थी। कस के बांधो और कस के। नहीं राज, जस्ट टेक मी फ्रॉम हर। मारी मर्जी कने पूछियो। भाई मारे को तो पहचान भाई, मैं थारा बेटा जैसल भाई, मारे को पहचान भाई। प्रताप ने कितने छुपायो बता, नहीं तो मार डालू थारे को। भाई प्रताप अब कहाँ रखा है, उसे तो कब का चेचक ले गई। और जाने बदले भाई जा भाई, परलोक सिधार जा भाई, उस बेचारे के शरीर को छोड़ दे भाई, मैं मजारे पांव पड़ूं। चला बड़ा आया बेटा बनकर, बेटा होकर माई के अपमान का बदला लेने की जगह कहता है माई परलोक चली जा। चला जा, नहीं तो धन्ने में पहले मारूं। जा हमारे प्ले की ओपनिंग कल ही है। यस यस डेफिनेटली ऑफ कोर्स। मॉम ये क्या हो रहा है? देखिए आप जानती है कि प्रिया के बिना ये प्ले नहीं हो सकता, और आपको पता है कि उसकी तबीयत कितनी खराब है। नेहा अनाउंसमेंट कर दो कि ये शो हम नहीं करेंगे। नेहा शो होगा कल। व्हाट? और ये मैं नहीं, प्रिया ही चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि लच्छो के चंगुल से बचने के लिए और कोई तरीका नहीं है। मतलब आप राज को उस पजेस्ट औरत के सामने मरने के लिए छोड़ देंगे? मरने के लिए नहीं, मारने के लिए। देखो राज, अब प्रिया वो प्रिया नहीं रही, वो अब पूरी तरह से लच्छो के बस में है। उसका तन, मन, आत्मा, सब कुछ अब वो तुम्हें मारना चाहती है, क्योंकि वो तुम्हें प्रताप समझती है। प्ले के दौरान जब लच्छो तुम्हारे पास अपनी कटार लेकर तुम्हें मारने के लिए आए, तब तुम अपने तलवार से उसे मार दिया। व्हाट? आप मुझसे प्रिया की जान लेने को कह रहे हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का इकलौता उपाय दे रही हूं। प्रिया तो यूं भी मरने वाली है, ऐसे भी या वैसे भी। मॉम,
यू आर ब्रिलियंट। पर एक टेंशन है मॉम, अगर प्रिया की जगह पर राज को कुछ हुआ तो? राज को कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा प्रिया को होगा। शुक्र है कि राज ने तुम्हें इस प्ले की हीरोइन नहीं बनाई, वरना तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल होता। तुम कर तो पाओगी ना प्रिया? हाँ शायद। अभी कौन सा सीन चल रहा है? अरे थारी हिम्मत कहीं हुई उस बंजारण को ब्याह का वचन देने की? कैसा वचन? मैंने किसी को कोई वचन नहीं दिया। स्लोरी को कैफ सिट हियर प्रिया। आर यू श्योर प्रिया? तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शी विल बी ओके मैक्स। आई डोंट थिंक आंटी ये हालत में परफॉर्म कर पाएगी। यू आर एब्सोल्युटली फाइन हनी आंट यू। मुझे लगता है शायद उसने आज शाम की दवाइयां नहीं ली, इसलिए उसके ये हाल हो रहे हैं। अच्छा मैक्स एक काम करो, मेकअप रूम में जाके प्लीज उसके केस में से वो दवाइयां लेकर आओ। मैं भी लेके आया। या ए जी, भगवान की कसम खा के बोलो जी, क्या आप उस चुड़ैल लच्छो से ब्याह रचाने वाले हो? मुझे और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है प्रिया। प्रिया चलो, तुम्हारा सीन आ गया है, चलो प्रिया। पता नहीं सही क्या और गलत क्या है। मुझे पता है कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, लेकिन राज को बचाना तुम ही चाहती थी ना। पर जो भी है मैं ये जरूर साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आंटी आंटी इसको मुझसे दूर रखिए, मुझे इससे बहुत डर लगता है, प्लीज आंटी। अब ऐन वक्त पर ऐसी हाँ ना ऐसी बातें मत करो तुम। अब देरदार किस बात की है पंचों, शुरू करो। लो आ गई वा डायन। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता प्रिया, और बचा भी नहीं सकता। तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा मैं? बहुत सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया। पंचायत का फैसला आप सबको मंजूर होगा ना? जी। बोलो। मारा ब्याह प्रताप के साथ करा दो पंचो, हमारे बच्चे का बाप यही है। हमारे गले में इसके हाथों मंगलसूत्र पढ़वा दो। इनने अपने बाप दादाओं की कसम उठाकर कहा था सात जन्मान तक साथ निभावेगा मारा। चुप कर चुड़ैल। जाने किसका पाप मारे माथे लगा रही है चुट्टी। पंचो मरने इस चुड़ैल से बचाओ, मारा इससे कोई संबंध नहीं है। अरे मरने तो इसकी सूरत देख ही डर लागे है। ये है थारी सराफत? तो ये है थारी सराफत, मुखिया के छोरे इबना छोड़ सू मैं तने, थारे को मार कर मैं खुद भी मर जासू। अरे अरे गांव वालों क्या देख रहे हो, मुंह काला करके घुमाओ इसको गांव में बाहर। मारने से कुछ नहीं होगा बापू, मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को जो हाथ के दलदल में जाकर फेंक आइए। मार मारो इस डायन को कि आज के बाद किसी भी मर्द की तरफ आग उठा कर ना देखे। गला काट डालो इस चुड़ैल का बापू, मरने तलवार दो। अरे हट, मैं नहीं डरती थारी तलवार से। क्या देखता क्या है, मार इसको। थारी तलवार से मैं नहीं डरती, इससे क्या घाव देगा तुम्हारे को? इससे बड़ा घाव तो तुम्हारी कोख पर लगा चुका है कमीने। कमीने।
बस इतना जानता हूं कि प्यार के लिए सब कुछ दिया जा सकता है, यहां तक कि जान भी। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर मन में एक मलाल जरूर रह जाएगी कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो, क्यों? प्रताप, तूने घना दुख दिया है मन में, मैं तन्ने नहीं छोड़ू। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो, लेकिन इसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं प्रताप नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं। लेकिन इसके पहले प्लीज प्लीज मेरी प्रिया को छोड़ दो। प्रिया? कौन प्रिया? वही जिसके देह पर तूने कब्जा किया हुआ है, वो मेरा प्यार है और वो एकदम बेकसूर है। आज तक मैंने उसे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन कम से कम मैं उसके लिए अपनी जान तो दे सकता हूं। काज, कॉल द पुलिस, ये नाटक नहीं है, ये लड़की पागल हो गई है। नहीं, तू वो नहीं है, तुम्हारा हत्यारा नहीं हो सकता। तू जो वो होता तो अपनी थोड़ी के वास्ते अपने प्राण त्यागने कभी ना आता। धन्य है तू ढोला और धन्य है तेरी ढोली जो तेरे जैसे मर्द से अपना नेह लगाया उसने। एक मैं ही अभागिन थी जो गलत मर्द के मंगल सूत्र की साथ लिए मर गई। तू इसे अब मंगल सूत्र जरूर पहनाना, पहनाएगा ना? मैं ही अभागन थी, फूटे मारी करो, फूटे मारी करो। भैया आगे खुल, तो हो ना? उठो प्रिया। प्रिया तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, तुम फिक्र मत करो। नहीं प्रिया, हमारी सारी चिंताएं तो दूर हो गई है, लक्ष्य ने हमें बख्श दिया है और हमें एक नई जिंदगी दी है, और ये जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ। नेहा, आई एम सॉरी, आइंदा से किसी ऑपरचुनिस्ट के अटेंशन को प्यार मत समझना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। राज, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? और अगर ये सपना है तो मेरी आंख ही ना खुले। नहीं प्रिया, ये कोई सपना नहीं है, हमारा बुरा सपना तो बीत चुका है। ये क्या कर रही हो तुम? इसे निकालो मत, इसे उस अभागन की सौगात समझो, उसमें उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि कहीं कोई तो सुहागन है जो सुखी है।